हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लिया ना, तो 100% श्योर आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। एंड इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार, इसलिए मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि कल का पूरा दिन मेरा इसी में गया है। हर एक चीज मैंने लाइव रिकॉर्ड की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप मीशो से पैसे कैसे कमा सकते हैं, मीशो के प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। कस्टमर नहीं है तो आपको मैं कस्टमर इस वीडियो में दिलाऊंगी कि कस्टमर आपको लाइव कैसे मिलेगा, मतलब मैं लाइव आपको दिखाऊंगी कस्टमर कैसे मिलता है, उसको डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना, उससे ऑर्डर कैसे लेना, उस ऑर्डर को बुक कैसे करना, अपना मार्जिन कैसे ऐड करना, मतलब हर एक चीज डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो बिल्कुल भी स्किप करके आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना, वरना कुछ ना कुछ अगर आपने मिस कर दिया तो आप गड़बड़ कर लोगे। इसलिए पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देख लिया 100% श्योर घर बैठे अर्निंग आप करोगे, ठीक है। एंड कुछ नहीं तो महीने के 15,000 से 20,000 रुपए आराम से आप इस वीडियो को देखने के बाद में निकाल पाओगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मीशो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सीधे कैटेगरीज पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको सेल करना है उस कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होम डेकोर ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ, और यहाँ पे की होल्डर ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते सस्ते में मिलते हैं मीशो में, तो मैं की होल्डर पर क्लिक कर देती हूँ। और की होल्डर पर जाके यहाँ पर कोई अच्छा सा कुछ जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा हो ना, देखिए ज़रूरी नहीं है कि की होल्डर आप सिलेक्ट करो, जो भी प्रोडक्ट आपको कम रेट में दिखे उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राधे कृष्णा वाला की होल्डर हमको दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप खुद देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसका जो प्राइस है आप देखो कितना ज़्यादा कम प्राइस है इसका, सिर्फ और सिर्फ 102 रुपए में मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे जब हम शेयर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फेसबुक का भी ऑप्शन है, फेसबुक पेज का है, फेसबुक ग्रुप का है, व्हाट्सअप का है। तो हमें क्या ना सीधे नीचे डाउनलोड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, ओके, हमको वहाँ पे क्लिक करना है। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ मांगेगा, अलाउ कर देना, और ये जो हमारी इमेज है ना डाउनलोड हो जाएगी, मतलब ये जो फोटो है ना कैटलॉग पिक, ये हमारी डाउनलोड होगी। और ये सिंगल नहीं, इसमें देखो 5 अलग अलग की होल्डर है, ये पांचों के पांचों हमारे गैलरी में सेव हो जाएंगे। एंड किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी रेटिंग्स जरूर चेक कर लीजिए, उसके रिव्यूज जरूर चेक कर लीजिए। एंड यहां पे आप इसके रिव्यूज देख सकते हो, काफी अच्छे, ओवरऑल 3.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, तो हम इस प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोडक्ट को हमने सेव कर लिया गैलरी में, अब हम आ जाते हैं फेसबुक पे, ओके। अब यहां से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखना। अब फेसबुक में हम आ जाएंगे मार्केट प्लेस पे, चौथे ऑप्शन पे देखो मार्केट प्लेस है। एंड यहां पे आप देखो दो ऑप्शन ऊपर दिख रहे होंगे, ऊपर सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेल के ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए तीन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, फर्स्ट आइटम आपको शो कर रहा है, उस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे आप आइटम पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको नजर आने वाला है। अब जो हमने गैलरी में फोटो सेव किया था ना, अब वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ऐड फोटो का, ठीक है। तो जैसे ऐड फोटो पे हम क्लिक करेंगे, और देखो मैंने आपको कहा था ना पांचों इमेजेस हमारी गैलरी में सेव हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे पांचों को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जो राधे कृष्णा वाला है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है, वे सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने राधे कृष्णा वाले जो की होल्डर है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। अब यहां पे देखो हमारी जो इमेज है ना वो यहां पे सेव हो गई, ठीक है। अब इसको क्या है, मीशो में हर प्रोडक्ट में कोड होता है, राइट, तो वो कोड नीचे रहता है, तो अब यहां कोड रहेगा तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि मीशो का प्रोडक्ट है। तो हमें क्या करना है, इस कोड को क्रॉप कर देना है। तो ये इमेज पे जब क्लिक करेंगे, इधर ही क्रॉप का ऑप्शन है, इधर ही क्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से कोड को क्रॉप कर रही हूं, तो इस तरीके से कोड को क्रॉप करके ऊपर डन पे क्लिक कर देना है। नीचे अब डन ऑप्शन आया ना, डन पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इसे डन पे क्लिक करेंगे ना, अब दोबारा से हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखो कोड हमारा हट गया है। तो अब इससे क्या है, अब कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि ये मीशो का प्रोडक्ट है, ओके। तो अब हमको यहाँ पे टाइटल डालना है। अब टाइटल में हमें वही डालना है जो प्रोडक्ट का नाम है। अब प्रोडक्ट कौन सा है, की होल्डर है, ओके, कौन सा है, तो राधे कृष्णा की होल्डर। तो थोड़ा अट्रैक्टिव आप टाइटल अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो
प्रोडक्ट का नाम है आपको वही लिखना है, ज़्यादा अट्रैक्टिव के चक्कर में कुछ और मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ राधे कृष्णा की होल्डर लिख दिया, प्राइस यहाँ पे वो 102 था, हमको यहाँ पे प्राइस 150 डाल दिया मैंने। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी इधर उधर कुछ उल्टी सीधी डाल दोगे ना तो फिर आपका दूसरी जगह पे शो होगा जिसको नहीं चाहिए होगा। तो कैटेगरी ज़रूर सिलेक्ट करनी है और सही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब ये होम डेकोर का प्रोडक्ट है, जैसे आप टाइटल वहाँ पर लिखोगे ना तो आपका खुद से खुद वहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो हमने टाइटल लिखा, टाइटल में ही डायरेक्ट कैटेगरी इसने सिलेक्ट कर ली खुद से। अब नीचे कंडीशन का ऑप्शन है, प्रोडक्ट एकदम न्यू है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना है ताकि कस्टमर को पूरा, जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को देखे ना तो उसको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दिख जाएँ कि इसमें क्या है। अब जैसे मेन जो चीज़ें होती ना वो हमको लिखनी है, टाइटल जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है तो की होल्डर है, वो हमने लिख दिया राधे कृष्णा की होल्डर। अब प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 150 रुपीज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट में अभी हम इसको ऑर्डर करेंगे तो किस हिसाब से, तो पेमेंट मोड क्या होगा यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, क्योंकि हमको नया कस्टमर चाहिए तो ऑनलाइन पेमेंट तो हम लेंगे नहीं उससे, तो पेमेंट पे हम कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी। अब सीओडी हर एक को समझ में नहीं आता तो आपको पूरा लिखना है कैश ऑन डिलीवरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका मटेरियल भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे वुडन है ना तो हम वुडन भी यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, जैसे हमने ऊपर लिखा है ना राधे कृष्णा की होल्डर, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटल में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नेम लिखा है राधे कृष्णा, मटेरियल यहाँ पे लिखा है वुडन, ठीक है। अब कलर वगैरह लिखा है, तो आप यहाँ पे एक काम करो, दोबारा से आ जाओ यहाँ डिस्क्रिप्शन पे और यहाँ पे हम राधे कृष्णा के नीचे, यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के नीचे हम डायरेक्ट पहले लिखते हैं मटेरियल, क्योंकि कस्टमर को पता चलना चाहिए कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लिख देंगे ना वुडन तो कस्टमर को क्लियर हो जाएगा, चलो वुडन का मटेरियल है इधर। प्राइस भी यहाँ पे लिख दिया हमने और पेमेंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो अभी नीचे आ जाते हैं, तो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ओके। वो वहाँ पे लोकेशन आपको डाल देनी है। यहाँ पे देखिए नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, लिस्ट इन मोर प्लेस का ऑप्शन मैं बताऊंगी। अब यहाँ से पब्लिश कर दो, आप डायरेक्ट आपको पब्लिश कर देना, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना मार्केट प्लेस पे पब्लिक हो चुका है। अब यहाँ देखिए एक्टिव का ऑप्शन देखिए लिख करके आ गया कि एक्टिव हो गई आपकी लिस्टिंग जो है ना, आपने लिस्ट की। अब यहाँ पे जब हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ पॉपअप आएगा, तो इसमें देखिए लिख के आए नोटिफाई मी व्हेन द लिस्टिंग इज विजिबल टू अदर, मतलब हमको पता चल जाए लिस्टिंग हमारी लाइव हो चुकी है, तो हम टिक कर देंगे उस पर। तो अब देखिए दिस लिस्टिंग इज इन रिव्यू, अभी जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना वो अभी रिव्यू में है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो नीचे मार्केट प्लेस लिस्ट इन मोर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट इन योर ग्रुप, अब आपने जो जो भी ग्रुप्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं ना, अब देखिए मैंने ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए लाइन से शॉपिंग के, ऑनलाइन शॉपिंग के। अब मैं यहाँ एक एक करके ना सब में लिस्ट करती जाऊँगी, तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि आपको हर एक अलग अलग ग्रुप में जाके अलग से प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपने मार्केट प्लेस पे एक बार प्रोडक्ट लिस्ट किया, अब वहाँ पे ये ऑप्शन आता है लिस्ट इन मोर प्लेस, अब यहाँ से एक एक करके सब में टिक करते जाना है बस। अब ये सारे ग्रुप में ये जो राधे कृष्णा की होल्डर है ना, सारे ग्रुप में ये लिस्ट हमारी लाइव हो चुकी है, ओके। अभी देखिए अभी जैसे ये रिव्यू दिखा रही है ना, अभी हम नीचे पे क्लिक करेंगे, देखिए 17 मोर 20 प्लेसेस पे मैंने इस लिस्टिंग को ना लिस्ट कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आधे में रिव्यू दिखा रहा है, आधे में नहीं दिखा रहा, तो आधे में जिसमें नहीं दिखा रहा मतलब उसमें ऑलरेडी लिस्ट लाइव हो चुकी है, अभी इसमें रिव्यू दिखा रहा है। अभी क्या करना है, हमको बैक आना है, ओके। अभी हम जैसे बैक पे जाएंगे, अब दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग लाइव हो चुकी होगी। एंड आपके पास देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, योर लिस्टिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो हमारी लिस्टिंग अब लाइव हो चुकी है मार्केट प्लेस पे और सारे ग्रुप में। अब जो जो देखेगा वहाँ से आपको मैसेज करेगा, ठीक है, जिसको जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप पे क्लिक करेंगे, अब कहीं पे भी रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा लिस्टिंग है वो लाइव हो चुकी है सारे ग्रुप में और मार्केट प्लेस में, ओके। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं इधर एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप कभी भी प्राइस चेंज कर सकते हो या कुछ भी आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर बगल में डिलीट लिस्टिंग का ऑप्शन है, मोर में ऑप्शन पे देखिए कितना सारा दिख रहा है, डिलीट कर सकते हो, एडिट करके प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हो, सोल्ड हो गया है प्रोडक्ट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है तो मार के सोल्ड कर दीजिए, पेंडिंग है तो पेंडिंग कर दीजिए, बूस्ट लिस्टिंग मतलब आपको मतलब थोड़े पैसे देके लिस्ट को ज़्यादा प्लेसेस पे भेजना होता है, लिस्ट इन मोर का प्लेसेस मतलब ग्रुप में आपको करना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको
मैंने बता दी हैं, तो सारे ग्रुप पे देखिए एक साथ हो जाएगा। अब नीचे की तरफ तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्लिक ऑन लिस्टिंग, लिस्टिंग सेव और लिस्टिंग शेयर। फर्स्ट का मतलब है कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट पर मतलब क्लिक किया वो दिखाएगा, सेव मतलब कितने लोगों ने सेव करके रखा हुआ है और कितने ने शेयर किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। ओके, वापस आ जाते हैं अपने होम पेज पर। यहाँ पे देखिए हमारे लिस्टिंग जो है वो लाइव हो चुकी है। नीचे आपको देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे दिख रहे हैं, ऊपर देखिए कैटेगरीज बगल में दिख रही है सेल के बगल में। अब यहाँ पे जो बायर होते हैं ना, मतलब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अब जो खरीदने वाले होते हैं ना वो यहाँ कैटेगरी पे, जैसे था अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे उसी टाइप के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। जैसे देखिए मैंने व्हीकल पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे मतलब व्हीकल आ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे मेंस क्लॉथिंग पे क्लिक करूंगी मैं तो यहाँ पे देखिए सारे मेंस के प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिसने जो जो भी प्रोडक्ट लिस्ट किए होंगे। जैसे आप कोई होम डेकोर वाले पे करेगा तो उसमें हमारे प्रोडक्ट शो करेंगे। ओके, तो अब जिस कैटेगरी में कस्टमर लेना चाहता ना, यहाँ पे सारी कैटेगरीज लिखी होती हैं, तो आपको इसलिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और ये देखिए अब जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट ना, इस टाइप से आपका प्रोडक्ट दिखेगा कस्टमर को, लिखा होगा सेंड सेलर अ मैसेज, हाय इज दिस अवेलेबल। अब कस्टमर क्या करेगा, यहाँ सेंड की बटन पे ना क्लिक कर देगा। अब जैसे क्लिक करेगा तो आपके पास मैसेंजर में मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्टिंग है ना वो कस्टमर को दिखती है। देखिए मैंने एकदम बहुत क्लियर से बता रही हूँ, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। कस्टमर को आपका जो लिस्टिंग है वो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टाइटल नेम जो आपने लिखा था वो लिखेगा और नीचे लिखेगा इज दिस अवेलेबल, भेज दिया तो उधर आपको वो सेंड कर देगा, आपके मैसेंजर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरी हैं, इसलिए कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक और अपनी आईडी दिखा देती हूँ। जैसे ये मार्केट प्लेस वाली आईडी है, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। अभी देखिए अभी राधे कृष्णा वाला लाइव हो गया है 150, देखिए 23 तारीख का। वुडन की होल्डर है, मैंने ये भी प्रोडक्ट लिस्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू मैसेज, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, अभी मैं सबको एक एक करके रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट प्लेस, यहाँ पे देखिए सारे ग्रुप जिसमें लिस्ट किया है सब है। अब नीचे देखिए लिख के आ रहा है 119 क्लिक्स ऑन लिस्टिंग, इसका मतलब क्या, ये तीन अभी मैंने आपको पहले बताया ना, ये वही चीज़ है, मतलब कि 119 लोगों ने हमारी लिस्टिंग पे क्लिक किया है, देखा है हमारे प्रोडक्ट को। फिर एक ने लिस्टिंग को मेरे सेव भी किया, नीचे आप देख सकते हो मैसेजेस पड़े हैं काफ़ी सारे, उन सबको रिस्पॉन्स भी मुझे करना है। ओके, तो इस तरीके से मैसेज आपके पास आते रहते हैं और कुछ इस टाइप का आपको मार्केट प्लेस की आईडी आपको दिखती है। हर प्रोडक्ट पे आप जाकर के देख सकते हो कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग को देखा है, कितनों ने सेव किया है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब चलते हैं हम मैसेंजर की तरफ। ओके, एंड मैसेंजर में मैंने ओपन किया, अब यहाँ देखो कितने सारे मैसेजेस मेरे पास कस्टमर्स के आए हुए हैं। देखो लाइन से मैसेजेस आए हैं जो जो लिस्टिंग मैंने ऐड की है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो राधे कृष्णा वाला था ना, उसके लिए एक मैसेज मुझे आ गया है नितिन यादव का कि हेलो इज दिस स्टिल अवेलेबल। अब यहाँ पे हम इसको पहले क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कस्टमर को फोटो भेजना पड़ेगा। तो गैलरी में जो हमारे पास फोटो है उसमें कोड है, तो पहले गैलरी से ये जो कोड है ना इसको क्रॉप करके सेव कर लेंगे, फिर यहाँ पे अब हम कस्टमर को रिस्पॉन्स करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब कस्टमर हमको भेजता है, मैंने आपको बताया कैसे भेजता है कस्टमर, इज दिस स्टिल अवेलेबल पे सेंड पे क्लिक करता है, तो हमारे पास देखिए इस टाइप का मैसेज आता है। अब आपके पास इस टाइप का मैसेज आएगा कस्टमर का, फिर आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है यस अवेलेबल। ठीक है, अभी अगर प्रोडक्ट स्टॉक में है तो लिख दिया, अब उसने तुरंत मैसेज किया मुझे भेज दो, मैंने तुरंत फोटो एक बार भेजी, उसने लिखा जी ओके, बट फिर मैंने उसको तुरंत प्राइस भी कंफर्म किया, प्राइस 150 रुपीज़ है, उसने बोला ओके। तो कस्टमर प्रॉपर रिप्लाई करते जा रहा है, मतलब कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर करती जानी, प्रोडक्ट जरूर पिक भेजना है, प्राइस कंफर्म कर लेना है ताकि कस्टमर को कुछ भी डाउट ना हो। ओके, तो यहाँ देखिए 150 रुपीज़ ओके करके उसने मैसेज मुझे किया। फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमें, उसने देखो फिर से पूछा है कैश ऑन डिलीवरी होगी ना, तो अब कैश ऑन डिलीवरी होगी तो, क्योंकि हर कस्टमर जो भी नया कस्टमर हो कैश ऑन डिलीवरी मांगेगा। ओके, तो हम मैंने यहाँ पे तुरंत का तुरंत उसको रिस्पॉन्स कर दिया है यस कैश ऑन डिलीवरी है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही टिक किया उसने देखो तुरंत सीन करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब नीचे ना लिखना है कि अब हमें उससे नेक्स्ट स्टेप पे क्या एड्रेस मांगना है उससे। ओके, अब उसने देखो तुरंत सीन भी कर लिया है, कस्टमर तुरंत एक्टिव है, फटाफट रिप्लाई कर रहा है, उसने तुरंत बोला ओके। फिर मैंने अब उसके नेक्स्ट स्टेप है हमारा एड्रेस मांगने का, तो मैं उसमें लिखूंगी ऑर्डर बुक करने के लिए आप डिटेल्स भेज दीजिए। अब डिटेल्स में आपको क्या क्या मांगना है, आप मीशो में ऑर्डर बुक करते हैं तो आपको क्या क्या
चीज़ें ऑर्डर करने के लिए चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले नेम, कस्टमर का नाम हमको चाहिए, उसके बाद कस्टमर का एड्रेस चाहिए, कस्टमर कौन सी सिटी में रहता है, पिन कोड क्या है और स्टेट कौन सा है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें कस्टमर से हमको मांगनी होती है, क्योंकि मीशो में जब हम ऑर्डर बुक करते हैं ना तो एड्रेस में हमको ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब लिखने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है कि ये फुल डिटेल्स आप भेज दीजिए। ठीक है, अभी देखिए मैं लिख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको कस्टमर को डील करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, कुछ भी चीज़ें मिस मत करिएगा। ये फुल डिटेल्स सेंड कर दीजिए तो ऑर्डर बुक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इतना लिख करके और उसके बाद कितने दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा, मतलब ये भी चीज़ें आपको साथ में मेंशन करें ताकि कस्टमर को पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर उसको बोल दिया, फिर नीचे लिख दिया ये फुल डिटेल्स सेंड कर दीजिए तो ऑर्डर बुक हो जाएगा और 4 to 5 days में आपको डिलीवर हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने उसको सेंड कर दिया। अब देखिए कितना लंबा मैसेज हो गया, लेकिन उसको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर बुक करने के लिए हमको ये डिटेल्स चाहिए और ये डिटेल्स जब वो हमें दे देंगे तो ऑर्डर उनका बुक हो जाएगा और 4 to 5 days में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर ने हमको तुरंत का तुरंत एड्रेस डिटेल्स सेंड कर दिए हैं सारी की सारी। ठीक है, अब कस्टमर की एड्रेस डिटेल हमारे पास आ गई है, अब क्या करना है हमको, तुरंत जा करके अब इसको बुक करना है। अभी ये देखिए 102 रुपये का प्रोडक्ट था, अब हमने उसको कितने में सेल किया, 150 रुपये में। ओके, अब यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। बाय नाउ पे जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए एड डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का एड्रेस ऊपर डालना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, फिर नीचे रोड नेम, एरिया कौन सी कॉलोनी में रहता है, फिर नीचे पिन कोड डालना है। ठीक है, पिन कोड के बाद आपको सिटी डालनी है, स्टेट डालना है, नियर बाय कोई फेमस प्लेस है उसने बताया तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। और सबसे नीचे आपका ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिसमें कस्टमर का नाम और नाम के बगल में कस्टमर का मोबाइल नंबर, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ। ठीक है, फिर सेव एड्रेस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी है तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देंगे। कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए रीसेलिंग द ऑर्डर, ऑफकोर्स हम रीसेल कर रहे हैं ना तो हम यहाँ पे अपना मार्जिन ऐड करेंगे। अब 102 का प्रोडक्ट है लेकिन हमको सेल कितने में करना है, 150 रुपये में। ओके, तो हमें जितने में सेल करना है वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए मार्जिन हमारा यहाँ पे लिख के आ गया, ऑर्डर टोटल 102, मार्जिन अर्न 48 रुपीज, कैश टू बी कलेक्टेड, कस्टमर से कितना कैश लिया जाएगा, 150 रुपए लिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 102 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा मार्जिन इसमें ऐड हो गया, कस्टमर से जब कलेक्ट किया जाएगा 150। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे प्लेस ऑर्डर पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हमारा ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुका है और इसी तरीके से आपको ऑर्डर लेना है और ऑर्डर को बुक करना है। ओके, अभी हम चले जाते हैं ऑर्डर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23 जुलाई, अभी देखिए यहाँ पे डिलीवरी बाय 30 जुलाई करके आ रहा है राधे कृष्णा। अभी ऊपर देखिए लिख के आ रहा है मार्जिन पेंडिंग। ओके, अभी चलो अभी इस ऑर्डर पे मैं क्लिक करके आपको और भी डिटेल समझाती हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ, अब ऑर्डर पे हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए ऊपर कस्टमर का नेम है, पेमेंट मोड है कैश ऑन डिलीवरी। ओके, अब नीचे देखिए मार्जिन लिखा है 48, मार्जिन विल बी प्रोसेस आफ्टर डिलीवरी, जैसे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्ड होने के जब रिटर्न पॉलिसी क्लोज हो जाएगी आपका जो मार्जिन है ना आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर प्लेस किया गया है 7:24 पे 23 जुलाई को, शिप्ड कितने बजे होगा, डिलीवर्ड देखो 30 जुलाई तक का होगा। ओके, तो अब 23 जुलाई है, 30 जुलाई मतलब एक हफ्ते का टाइम है, तो आप 4 to 5 days बोल दीजिए, आराम से 5 to 6 days के अंदर ही प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक ऑर्डर हो गया है, अब इतने टाइम पे मेरे पास, अब हम इसको मैसेज कर देंगे कस्टमर को कि आपका ऑर्डर बुक है, 4 to 5 days में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आपको कस्टमर को तुरंत इन्फॉर्म कर देना है बुक करने के बाद में। अब यहाँ पे देखिए कैसे हमारी बात हुई, यस अवेलेबल भेज दो, हमने पिक भेज दी, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स किया, फिर मैंने उनको प्राइस बताया, फिर उन्होंने पूछा कैश ऑन डिलीवरी, हाँ कैश ऑन डिलीवरी है, एंड आपको खुद भी बता देना अगर कस्टमर नहीं पूछता है तो। इतनी देर में मेरे पास एक और बुकिंग आ गई है, इसमें देखिए वुडन की होल्डर की, दूसरे की होल्डर की बुकिंग आई है, तो इसमें भी उन्होंने मुझसे पूछा है ये अवेलेबल है, मैंने तुरंत लिख करके भेज दिया यस अवेलेबल। तो इसी तरीके से देखिए बुकिंग ना बहुत फास्ट फास्ट आती है, कस्टमर अगर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप फटाफट से प्राइस बता दीजिए और आपको एड्रेस वगैरह भेज दीजिए। मैंने सेम चीज कॉपी करके मैं हर जगह पेस्ट कर देती हूँ तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब जब तक मैं उधर टाइप कर रही थी तब तक पहले वाले कस्टमर का मैसेज आ गया कि ओके जी करके। जब मैंने उसमें लिखा ना आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा 4 to 5 days में, उसने तुरंत रिस्पॉन्स किया ओके जी। अब ठीक है, अब ये वाला हमारा क्लियर हो गया। इतनी देर में अगेन हमारे पास तीसरा ऑर्डर आ गया। अब देखो बकुल का एक अलग से ऑर्डर आ गया है कि इज दिस स्टिल अवेलेबल, सेम वुडन की होल्डर पे आया है, यस अवेलेबल करके मैंने इस पे मैसेज कर दिया है ओके। अब यहाँ पे हम तुरंत उसको प्राइस भी बता देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया है 150 rupees और प्रोडक्ट का नाम भी बोल देंगे वुडन की होल्डर करके, तुरंत हमने टिक कर दिया है। अब कुछ कस्टमर तुरंत एक्टिव होते हैं ओके, फटाफट से उनको रिप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा है अपनी लैंग्वेज में कि होम डिलीवरी अवेलेबल है राजकोट में या नहीं, तो फिर तुरंत मैंने इधर फोटो भी भेजी साथ में उनके क्वेश्चन का आंसर, जो जो कस्टमर पूछता जाए उसको तुरंत तुरंत रिप्लाई करते जाना है। तो मैंने देखे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मैंने तुरंत रिप्लाई क्या यस होम डिलीवरी अवेलेबल करके, अब जैसे मैंने लिखा बस तुरंत उनको सेंड कर दिया है ओके। पिक जरूर प्रोडक्ट की भेज दीजिए ताकि उनको क्लियरेंस हो जाए हाँ ये प्रोडक्ट बुक हो रहा है ओके। और प्राइस मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कस्टमर को याद रहे हाँ 150 का ही है ओके। उसके बाद वही सेम चीज मैंने पेस्ट कर दी है इनको, नेम एड्रेस सिटी स्टेट पिन कोड मोबाइल नंबर ये भेज दीजिए, आपका ऑर्डर 3 to 4 days में पहुंच जाएगा ओके। आप नॉर्मल 4 to 5 days बोलिए कस्टमर को, क्योंकि मीशो में थोड़ा टाइम लगता है 4-5 दिन का डिलीवरी होने में, तो थोड़ा सा टाइम लेके ही चलिए, 1 हफ्ता अगर है तो 5-6 दिन बोल के ही चलिए ओके। उसके बाद देखिए कस्टमर ने तुरंत मेरे को एड्रेस का फोटो भेज दिया है ओके। तो मैंने एड्रेस का फोटो जैसे भेज दिया आप कस्टमर को तुरंत कुछ रिप्लाई कर दें हाँ कि ओके ऑर्डर बुक करते हैं मैंने करके लिख दिया है, फिर अब हम तुरंत आ जाएंगे मीशो में। और यहाँ से वुडन की होल्डर देखिए सिर्फ और सिर्फ 95 rupees का है ओके। अब हम यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम एड्रेस को फिल करेंगे। अब जो जो उन्होंने एड्रेस भेजा है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद पेमेंट पे आ जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, नीचे रीसेलिंग द ऑर्डर यस क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना मार्जिन लिखना है जिस मार्जिन पे आप सेल कर रहे हो ओके। अभी 95 का प्रोडक्ट हम इसको सेल कर रहे हैं 150 rupees में, अब देखिए 55 rupees मार्जिन मेरे पास आ गया है, अभी मार्जिन हम मेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के बाद। अब यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक कर देंगे और ये देखिए ऑर्डर कन्फर्म हो गया। सिर्फ रिकॉर्ड करते करते जब मैं आपको बता रही हूँ उतनी देर में मेरे को 2 ऑर्डर मिल गया, मैंने आपको सामने लाइव करके दिखाया ठीक है, 1-2 और भी अभी मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर बुक करने हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से मुझे कस्टमर मिला और मैंने तुरंत का तुरंत ऑर्डर बुक किया, मेरा मार्जिन भी आप लोगों ने देखा दोनों प्रोडक्ट में। तो आप इसी तरीके से डेली बेसिस पर अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे डेली आपको कस्टमर्स मतलब अनलिमिटेड कस्टमर मिलते हैं, यहाँ आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपने बस प्रोडक्ट लिस्ट किया आपको कस्टमर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उस कस्टमर को डील कैसे करना वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई, क्या क्या चीजें कस्टमर से मांगनी है ऑर्डर बुक करने के लिए, लाइक नेम एड्रेस सिटी स्टेट पिन कोड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी ठीक है। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मार्केट प्लेस जहां पे आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलने वाले हैं एंड उसके साथ में ग्रुप में आपको ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से हो, एमपी से हो, मतलब कहीं से भी हो, मुंबई दिल्ली कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने एरिया के स्पेशली जितने भी ग्रुप होते हैं ना वो सारे के सारे ज्वाइन कर लो, जितने ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप है वो सारे ज्वाइन करके रखो। एंड मार्केट प्लेस के साथ में मैंने आपको दिखाया कि कैसे ग्रुप में उसमें बस आप टिक करते जाओ और प्रोडक्ट्स जो हैं आपके लिस्ट होते जाएंगे हर एक ग्रुप में, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर एक ग्रुप ओपन किया उसमें अलग अलग प्रोडक्ट आप डाल रहे हो, नहीं आप मार्केट प्लेस में डाल रहे हो प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आप सेम अलग अलग सारे ग्रुप में एक साथ में डाल सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है ओके। तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, साथ में मार्केट प्लेस के साथ में ग्रुप को भी, सारे ग्रुप में जितने ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं सब में टिक करें और प्रोडक्ट को तुरंत वहीं से प्लेस करें, ऑर्डर प्रोडक्ट को तुरंत उधर लिस्ट करें ठीक है। तो आपको दिखाया मैंने, आपको वही प्रोडक्ट मीशो से उठाने हैं जो प्रोडक्ट ना बहुत कम रेट पे, जैसे आपने देखा राधे कृष्णा वाला जो की होल्डर था कितना सुंदर लग रहा था, वो लाइक वो 97-98 rupees में आपको मिल रहा है मीशो पे, लेकिन अगर आप उसको सेल करो 150 rupees में तो आराम से कोई भी कस्टमर होगा वो ले लेगा क्योंकि वो बहुत सुंदर है। अगर आप उसको 200 rupees में भी सेल करोगे ना तो ले लेगा, अब उससे ज्यादा बढ़ोगे तो नहीं लेगा कोई कस्टमर ठीक है।
तो आपको स्टार्टिंग में जो कम प्रोडक्ट वाले, जो कम मतलब प्राइस वाले है ना प्रोडक्ट, कम प्राइस वाले, वही प्रोडक्ट को आपको पिक करना है, उन्हीं प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है मार्केट प्लेस में, ठीक है। जैसे कि मैंने वो आपको करके दिखाया, एंड ऑलरेडी वुडन की होल्डर मैंने डाला, उसका भी आपने ऑर्डर देखा, लाइव मुझे मिला। ऐसे डेली के कम से कम 10-12 ऑर्डर ना आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको मतलब आते रहेंगे, ये अवेलेबल है कि नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैसेज भी आता है, आपको रिप्लाई भी कैसे करना है, तो एक एक चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी, एंड बस यही करना है और आपकी अर्निंग डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। एंड जब आप ये कर लो उसके बाद मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ आज मैंने इतना ऑर्डर बुक किया, हर एक चीज़। देखो आपने अगर कहीं पर कुछ भी मिस किया तो फिर मैं नहीं बोल सकती, ओके। मैंने वीडियो में हर एक चीज़ बताई है, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ें बताई, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने सारे सीक्रेट्स, टिप्स, सब कुछ आपको उसमें बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो गया है तो कोई बात नहीं, टोटली वर्थ होने वाला है आपके लिए वीडियो, ओके। एंड वीडियो अगर मतलब हेल्पफुल लगा, ऑफकोर्स ये हेल्पफुल होगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना और कोई नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अर्निंग पक्का है, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ जो घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, ओके। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ओके। बाय।